सो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले लास्ट टाइम हम वो पूल वाला वीडियो डालना मैं भूल गई थी, तो सबसे पहले आप उसे एंजॉय करो। पायल पित्रा ने पाए बसले पकड़ा है कि पानी में पाए हवाई भर दूं उसके अंदर, पकड़ना। क्या भर दूं? पूल में हवा जो भरो। क्या कर सकते हैं, लाइट तो चली गई। अब तो ये ना मेरे पति परमेश्वर पूल लेकर आए हैं जिसमें बिल्कुल पानी भरा हुआ नहीं है क्योंकि लाइट जा चुकी है। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर अनदर लव स्टोरी वीडियो एपिसोड 23। भाई लास्ट टाइम हमने आपको बताया था कि लॉकडाउन था और यीशु को 14 डेज के लिए क्वारंटाइन किया हुआ था। तो जैसे जैसे वो 14 दिन भाई ख़त्म हो रहे थे, हम लोग ये भी सोचे थे कि भाई 14 दिन ही हैं, फिर उसके बाद इसको जाना पड़ेगा ऑफिस। और फिर मैं भी ऑफिस जा रही थी, बीच बीच में अल्टरनेट डेज पर मेरा भी ऑफिस चल ही रहा था। फिर वो एक दिन आ गया जिस दिन यीशु को ब्रांच एलोकेट हो गई, और वो ब्रांच भाई एलोकेट हुई इसको बहुत दूर, मतलब 10-15 किलोमीटर दूर एलोकेट हो गई। तो वहाँ पे अब जाने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी उस टाइम पे, क्योंकि एक तो इतनी दूर, ठीक है, ऊपर से मेरा ऑफिस मैं भी छोड़ने नहीं जा सकती थी क्योंकि मेरे को सुबह 9 बजे ऑफिस पहुँचना होता था और इसका भी बहुत दूर था, तो इसको भी 9-10 बजे आई थिंक पहुँचना होता था ऑफिस। मेरे को भी 8:30-9 मतलब इतने बजे पहुँचना होता था। तो बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। फिर हमने जो बैटरी रिक्शा वाले होते हैं ना, उनसे बात की एक अंकल से, तो हमने उनको पूछा कि भाई आप मतलब ऐसे छोड़ दिया करोगे क्या डेली? तो आपको पता है कि बैटरी रिक्शा कितना स्लो चलता है, और वो अंकल जो थे वो भी बहुत ज़्यादा एजेड थे। तो एक दो दिन वो गए छोड़ने के लिए, फिर हम ये सोच ही रहे थे कि हम उनको मना कर देंगे क्योंकि एक तो वो बहुत ज़्यादा एजेड है और दूसरा मतलब नहीं उनसे हो पा रहा था। फिर उन्होंने खुद ही मना कर दिया कि बेटा मैं नहीं छोड़ने जा पाऊँगा, बहुत दूर है ऐसा करके। फिर भाई हम लोगों ने और भी बहुत सारी चीज़ें देखी, फिर हमने ऑटो के लिए पूछा तो हमें कहीं भी कुछ भी नहीं हो पा रहा था कि भाई कहीं से हो। फिर कभी कभी जब ये सब सारी चीज़ें चल रही थी पूछने पूछाने वाली, तो तब तक या तो मेरे पापा छोड़ने जाते थे इसको जिस दिन पापा की छुट्टी होती थी, या फिर भाई छोड़ने जाता था आराम से, मतलब कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। फिर उसके बाद मैंने इसको भाई कैब से भेजना शुरू किया। तो मैं आपको बता दूँ कैब का, वहाँ पे मैंने बताया 10-15 किलोमीटर दूर था, तो कैब का जो रेंट आता था वो आता था 200 से 250 रुपये, 200 से 250 रुपये जाना, 200 से 250 रुपये आना। तो फिर हमने हिसाब लगाया यार, मतलब एक दिन में अगर 500 रुपये आने जाने के लग रहे हैं तो मतलब महीने के 15,000 तो तेरा ट्रैवल का एक्सपेंस हो गया, तो मतलब उसका क्या फ़ायदा। फिर उसके बाद शायद उसके बाद हम करने लगे ओला बाइक, ठीक है। तो ओला बाइक जब हम करने लगे तो जो वो एक लड़का उसमें आता था वो ज़्यादातर वही आता था, फिर हमने उससे डायरेक्ट ही बात कर ली कि भाई तू ही छोड़ आया कर उसको, तो भी हमारे 100 रुपये लगते थे। 100 रुपये आना लगता था जी, 200 लगते थे तब भी, 200 लगते थे तब भी हमारे 200 लगते थे भाई। तो फिर चलो थोड़ा तो कम हुआ कि जहाँ 15 लग रहे थे वहाँ 6,000 हमारे लगने लगे ऐसे ऐसे। तो वो वही थोड़े टाइम तक ऐसे ऐसे चलता रहा। फिर मैं आपको हमारी जो उस टाइम पे जो लाइफ चल रही थी उसका जो डेली रूटीन होता था वो मैं आपको बता देती हूँ। ये सुबह जाती थी भाई ऑफिस, और मैं भी सुबह जाती थी ऑफिस, बट ऑफिस जाने से पहले मैं ऊपर सोती रहती थी और ये सुबह जल्दी आके वहाँ पे खाना बनाती थी। मतलब जैसे पापा को भी ऑफिस जाना होता था कभी कभी, और मेरे को भी ऑफिस जाना होता था, और हमारे क्या होता ना कि पहले ही बताया कि हमारे लंच भी साथ में ही बनता है, रोटियां बनती थी अपने घर पे। नहीं ऐसे नहीं बताते, ऐसे गलत बात होती है बताना, ये गलत बात होती है बताना, ये नहीं बताऊंगी, बट ये है कि मतलब काफी खाना बनता था क्योंकि। और मैं बता दूं कि खाना मैं बनाती थी, बट ऐसा नहीं है कि मैं अकेले बनाती थी उस टाइम पे, मतलब चीना मेरे साथ खाना बनवाती थी या फिर डिम्पी, या फिर मतलब रोटी सेकने का काम तो उसी का था, वो आता था और रोटी सेकता था मस्त, और मैं बेलती थी। तो ऐसा नहीं था कि भाई मेरे को किसी ने झोंक दिया कि बाकी सब सो रहे हैं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। ऐसा बहुत रेयर चांसेस अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम आ गई तो ऐसा कभी नहीं था। मैं नहीं करती, ये बहुत ही कम आई है, वो दोनों मेरे साथ लगे रहते थे, बट ये तो भाई महाराज उस टाइम मेरे आने के बाद तो ये ऐसा रियल में नॉर्मी है, तुम्हारा भाई कुछ नहीं कर रहा, बाहर में जाओ तुम, 3-3 नौकर रखे हो, बना के लाओ फटाफट, ऐसा हाल हो गया इसको, भाई हिलने को तैयार नहीं है, टुकड़े भी तोड़ के खिलाओ। अब मैं तो यही बोलती हूँ, तूने मुझे शुरू से इतना पैम्पर क्यों रखा, अगर तू मुझे नहीं रखती तो फिर मैं नहीं होती।
आदत है हमारी हर किसी को लाड़ करने की, क्या करे हो। आज तो सुंदर सी लग रही है ये। तो भाई ये सीन हो गया, फिर उसके बाद पूरी फैमिली भाई से एकदम मस्त खुश थी, मतलब सारे लोग इसकी तारीफ करते थे, मम्मी भी तारीफ करती थी, बट मम्मी मेरी यू नो सामने से तारीफ नहीं करती थी, ऑलवेज सास सामने से कभी तारीफ नहीं की उनकी की, वैसे वो किसी की भी नहीं करती सामने से, सामने से कभी नहीं तारीफ करती थी, और पीछे से मेरे को बोलती थी कि भाई खाना तो एकदम बनाती है मस्त फटाफट से, पता भी नहीं चलता यहाँ सब्जी चढ़ाई, यहाँ मतलब रोटी रखी, रोटी बनाई और हो गया। तो मैं मतलब बहुत अच्छी लाइफ चल रही थी हमारी। तो भाई फिर ऐसी लाइफ चल रही थी, फिर ये हम सुबह नाश्ता वास्ता करते थे दोनों साथ में, फिर ये अपने ऑफिस में अपने ऑफिस, और उसके बाद बस फिर यही चलता रहता था। फिर हम साथ में हम लोग जाते थे भाई राशन का सामान लेने, वहाँ पे हमारे वो था क्या नाम था उसका, स्मार्ट बाजार, नहीं स्मार्ट बाजार तो यहाँ है भाई, बहुत फेमस है वहाँ का, मैं भूल गई उसका नाम। तो वहाँ पे हम लोग जाते थे और भाई इतना इतना सामान लेके आते थे, मस्त बहुत मतलब बहुत बढ़िया एकदम मस्त चल रहा था सब कुछ। फिर ऐसे यहाँ के मैं एक चीज़ और बता देती हूँ, जब हम फर्स्ट टाइम गए ना ऐसे सामान लेने, तो मेरे को बोलती है कि तू भी अपने लिए लिख ले क्या क्या लेके आना है, मतलब पापा भी बोलने लगे कि भाई क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो मेरा ऐसा कोई पर्टिकुलर कुछ था नहीं भाई, सीधी सीधी बात बता देती हूँ, मैं कुछ ऐसे यूज़ करते नहीं थे उस टाइम पे, मेरा ज़्यादातर टैल्कम पाउडर मैं यूज़ करती थी स्वेटिंग की वजह से, या फिर डीओ, और उसके अलावा मेरे को मेकअप में भी मेरे पास सिर्फ एक बीबी क्रीम होती थी, और मेरे को मतलब नहीं था शौक कुछ भी करने का। तो ये मुझे बोलती है बता साबुन कौन सा यूज करती है तू, तू क्या बोलते हैं तू क्या यूज करती है, मैंने कहा मैं तो कुछ भी यूज कर लेती हूँ, ये बात यहाँ से आई थी कि ये तो शैम्पू से भी नहा लेती है। तो ये मुझे बोलती है तू क्या यूज करती है नहाने में, मैंने कहा मैं तो किसी से भी नहा लेती हूँ, मैंने कहा नहाने का साबुन मिल जाए तो ठीक है, शैम्पू मिल जाए तो ठीक है, मैं तो उसी से भी नहा लेती हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा आज की बात तो साबुन से नहीं नहाएगी तो बॉडी वॉश से नहाएगी, मैं देख रही हूँ। अचानक मेरी के दिन शुरू हो गए क्या मेरे, क्योंकि भाई सीधी सीधी बात है अपन साबुन से नहाने वाले बने थे, जो साबुन मैं अच्छा यूज़ करती थी, ऐसे मेरे को पेयर्स का बहुत शौक था नहाने का, ये डव इनसे अच्छा लगता था नहाना मेरे को, क्योंकि मैं नहाने में टाइम वेस्ट करती थी, तो साबुन का काम भी कम ही होता था मेरी जिंदगी में, आज भी कमी है। तो भाई ये जब डायलॉग इन्होंने मारा ना ऐसे, आज के बाद तो बस जेल शॉवर से नहाएगी, ठीक है भाई अब मेरी जिंदगी इसके साथ चलेगी। तो ये एक इंसिडेंट हुआ। चलो हाँ, तो फिर जब कोई भी ऐसे, फिर जैसे घर में कुछ भी कहीं जाना होता था, शाम को जैसे हम लोग खाने पीने जाते थे, तो जैसे पापा से पूछना है या पापा से कोई बात मनवानी है, तो यशु कॉल कर देते जा भाई तू जाके पूछ। तो भाई ये सब हमारी जिंदगी में मतलब बहुत ही स्मूथ लाइफ हमारी चल रही थी उस टाइम पे, बहुत ही स्मूथ। तो फिर उसके बाद हम लोग भाई वीडियोस वगैरह भी बनाते थे, तो वो हम डालते थे सोशल मीडिया पे ऐसे ऐसे करके, तो मतलब एक नंबर, और लाइव भी आते थे डेली ही लाइव हो गया था उस टाइम पे तो हमारा, भाई जाना ही जाना है, क्योंकि लोगों को भी बहुत एक्साइटमेंट थी कि मैं यहाँ पहुंची हूँ, और लोगों को वो जर्नी भी पता थी कि मैं ऐसे ऐसे पीजी से लॉकडाउन में इधर पहुंची हूँ। हाँ। तो उनको एक्साइटमेंट थी, हमने सरप्राइज लाइव भी दी थी। हाँ याद है, हाँ हमने सरप्राइज लाइव दी थी, क्योंकि हम अलग अलग आते थे हमेशा लाइव में ना, तो दो ऐसे लाइव होती थी ऊपर नीचे ऐसे करके। तो जब मैं फर्स्ट टाइम के घर पहुंची तो हमने सरप्राइज लाइव दी, इसमें दो एक ही फ्रेम में, तो भाई लोग ना ऐसे शॉक्ड हो गए कि अरे ये क्या हुआ, एक ही फ्रेम में कैसे पहुंच गए। तो ये सब चीजें उस टाइम की थी, और जैसे कि डुगू ने कहा बहुत ही स्मूथ लाइफ चल रही थी, ऐसा कोई प्रॉब्लम कहीं से कहीं तक कुछ नहीं था। मतलब कितना ये कोइंसिडेंस है ना कि लोगों ने जो हमारी जर्नी है ना वो हमारी स्टार्टिंग से ही देखी है, मतलब समझ रहे हो, मिलने से देखी है कि हम मिले, फिर उसके बाद लॉन्ग डिस्टेंस में रहे, फिर उसके बाद साथ रहे, फिर शादी, ये मतलब तो मेरे को अच्छा लगता है यार कि स्टार्टिंग से जर्नी दिखाना। एग्जैक्टली तो तब तक हम ब्लॉगिंग में नहीं थे, कुछ भी नहीं था बस इतना था कि एक इंस्टाग्राम पे भी, क्योंकि उस टाइम टिकटॉक हो जा रहा था, तो भाई टिकटॉक पे रील्स बनती थी हमारी, फिर मिलने के बाद तो हमारे कंटेंट भी बनने लग गए, सोचो उस टाइम पे कंटेंट बनाते थे, आज सारा कंटेंट नहीं बनाते। तो तब कुछ कंटेंट भी शूट करते थे, और मेरे को भाई इनके यहाँ पे गार्डन था, गार्डन है घर के बाहर छोटा सा, मेरे को बड़ा मजा आ रहा था वहाँ पे पानी डालने में, प्लांट्स में ये करना, काम करना, बड़ा मजा आ रहा था को, काम से मतलब प्यार है, अच्छा लगता था। तो हम साथ में बैठ, और हाँ जब मैं इनके घर पे आई थी तो मैं बता दूं कि पहला दिन हुआ था जब हम आराम से बैठ के सब साथ खाना खा रहे थे, उसके बाद इनका क्या सिस्टम हो गया था कि दाल रोटी ली और इधर ऐसा वाला सिस्टम, तो मैं वीडियो कॉल पे भी वही देखती थी कि भाई इन्होंने अपना खाना निकाला, सब अपना निकाला, बैठ के खा लिया ऐसे, जैसे बोरिंग खाना नहीं खाते ऐसे करते थे, पता नहीं क्यों कि दो रोटी रख ली, फिर उसके बाद जब मैं वहां पे पहुंची ना, तो मेरे को क्या है ना कि ऐसे सारी चीजें मिक्स करके खाने का शौक है, मतलब चटनी चाहिए मेरे को, चटनी सैलेड दही फिर एक और सब्जी, दो सब्जी तो होती थी, सब्जी दाल ऐसे। तो मेरे को मतलब प्रॉपर खाना खाना पसंद था पहले से ही,
तो भाई हम मैं तो मस्त खाना वाना बना के और अपन ऐसे हॉल में बैठ जाते थे बीच में खाना, और हॉल में ऐसे हम लोग बैठ जाते थे पूरा घेरा बना के, तो बड़े मज़े आते थे भाई उस टाइम पे सब खाने के लिए। और खाने मैं बनाऊँ और साथ में कोई तारीफ करे तो फिर वो सोने पे सुहागा वाली बात हो गई थी। तो एकदम से सही सही ज़िंदगी चल रही थी बढ़िया तरीके से, ये अपने जॉब पे जा रहे थे, सुबह हम साथ में नाश्ता करते और चले जाते अपने अपने ऑफिस, फिर दिन में एक दो बार बात करते फिर वापस आ जाते, और वही मेरा घिसा पिटा डायलॉग बैंक पहुँचने के बाद कि बाबू मेरा मन नहीं लग रहा। अच्छा एक चीज़ और रूटीन में थी हमारी, जैसे ही मैं बैंक पहुंचती थी क्योंकि मैं इनके बाद पहुंचती थी बैंक है ना, आपके बाद पहुंचती थी ना शायद, क्योंकि मेरा दूर था और ये अपने स्कूटी से जाते थे, तो जाने के बाद हाँ बाबू पहुंच गई मैं आप पहुंच गए, मतलब ऐसे हमारी रोज का था हमारा, चाहे ये कुछ सेकंड्स का हो बट ये रोज का था, चल बाबू ठीक है फिर मैं अभी कुछ काम कर लूँ तू भी कुछ देख ले, ऐसी वाली हमारी कन्वर्सेशन होती थी भाई। तो इन्हीं सारी चीज़ों के बीच में मम्मी अब तक मतलब आए नहीं थे यहाँ पे, उनसे फेस टू फेस मैं नहीं मिली थी नानी वगैरह से, क्योंकि वो तो वहाँ रहते हैं ना, तो यहाँ पे अपना चल रहा था, तो मम्मी मेरे को फ़ोन पे कुछ कभी कभी चीज़ें ऐसे समझाती रहती थी घर के लिए कि भाई छोटे भाई बहन है, पापा भी छोटे ही हैं, क्योंकि पापा की जो नेचर है ना वो बहुत चाइल्डिश है, प्यार सबको बहुत करते हैं बट कभी कभी थोड़ा वो होता है ना बच्चे कुछ ऐसे बोल जाते हैं मतलब, तो फिर सोचते हैं यार बड़ों को बच्चों का दर्जा अगर दे दो ना तो कुछ कहा भी नहीं सकते, क्योंकि जब कहने की बारी आए तो वो बच्चे नहीं तो वो बड़े हैं, तो आप उनको पलट के डांट तो नहीं सकते हो। तो वही ये सब छोटी छोटी चीज़ें हमारी लाइफ में चल रही थी, बस खाने पीने जा रहे हैं हम ये कर रहे हैं। फिर भाई ऐसे ही टाइम कुछ बीतता गया। अब मैं पीछे जाके एक और बात बताना चाहती हूँ, जैसे इन्होंने शारजल वाली बात की थी, इन्होंने एक चीज़ और की थी, जब लॉकडाउन का पीरियड में वो क्वारंटाइन डेज चल रहे थे ना और मैं उनके घर पहुँची, उसके दो दिन बाद ही ये मुझे लेके गए अपनी कॉलोनी के गार्डन में सुबह सुबह, चल मैं तेको एक्सरसाइज कराऊंगी। उस टाइम पर मैं बहुत पतली हुआ करती थी, तब भी मैं लोगों की कैटेगरी भी मोटी थी, चल मैं तेको एक्सरसाइज कराऊंगी मैं खुश मस्त, मैंने चप्पल जूते पहने जो भी पहना मैंने चप्पल पहनी थी, मैंने कहा तो मस्त जिंदगी सेट है मेरी, एकदम जीरो फिगर में रहूंगी, इतना बढ़िया बंदा मिल गया ये तो बहुत पंचुअल है, मैंने कहा ये तो एकदम फिटनेस फ्रीक वाली बंदी लग रही है मेरे को, ठीक है मैंने कहा खाना पीना भी इसका लिमिटेड है मेरा भी खाना पीना लिमिटेड हो जाएगा, ठीक है चले गई भाई वहाँ पे, चल ऐसे कर वॉक कर ये कर, एक दो मिनट करवाया 10-15 मिनट हो गए होंगे करते करते, यहाँ वहाँ गार्डन दिखाया, उसके बाद चल बाबू घर चलते। अगले दिन से ना तो वो गार्डन ना तो वो एक्सरसाइज, सब एकदम इधर उधर चला गया भाई, ऐसी पलटी मारी इस आदमी ने, मैंने कहा यार ये अभी तो बहुत ही ज़्यादा फिटनेस फ्रीक वाली बन रही थी, अब तो ये बिल्कुल ही अलग माहौल में चली गई, ठीक है ये दो धोखे जो गए ना मेरे साथ, तो ये हुए भाई। फिर उसके बाद बात चल रही थी बेकरी खोलने की, बेकरी हाँ, शॉप खोलने की बात चल रही थी है ना, काफी टाइम से चल रही थी एक्चुअली बेकरी शॉप खोलने की बात, कोर्स किया था ना बेकरी का ही कोर्स किया था मेन, तो उसने वो बात चल रही थी पता है कब से, जब से हम क्या बोलते हैं लॉन्ग डिस्टेंस में थे, तो मैं इनसे फोन पे बातें करती थी तो मेरे को पता था कि भाई ऐसे ऐसे डिस्कस कर रहे हैं ये, तो फिर फाइनली ऐसे कर करके बहुत सारी मेहनत मशक्कत के बाद भाई एक वो बेकरी खोलने का प्लान बना कि चलो ठीक है खोलते हैं करके। अब इसी दौरान इनके काफ़ी ज़्यादा मतलब चाचा चाची ये सब लोग घर पे आना जाना रहता था, तो सब मेरे से फर्स्ट टाइम मिल रहे थे, मैं सबसे फर्स्ट टाइम मिली तो सब मेरे से अच्छे से बात करते थे, मेरा भी सबके साथ अच्छे से बात करने का सिलसिला था। हाँ। अभी सिर्फ हमारे जो पास वाले चाचा चाची थे उन तक ही हाँ। मतलब बात पहुंची, तो भाई वो आए उन्होंने बात बात की, हाँ उनको पता भी था, डायरेक्टली मेरी कभी बात तो हुई नहीं है इस पे, लेकिन बट पता तो रहता ही है यार, तो पता नहीं पापा ने क्या भाई उनके कान में खुसर खुसर की, फिर मेरे को बुलाया इंट्रोड्यूस कराया, तो मैं ऐसे मिली विली उनसे, पापा ही मिलवाते थे हाँ, पापा ने तो गारंटी वो ठेका लिया था ना, फिर मैं पकौड़े बना के लाई थी फर्स्ट टाइम हाँ, हाँ। मुझे याद है मैंने पकौड़े बनाए थे, तो ऐसे ऐसे भाई हुआ था चल रहा था। फिर उसके बाद फाइनली जब बेकरी का डिसीजन आया कि भाई बेकरी खोलेंगे, तो फिर हम सारे बैठ गए नाम डिस्कस करने अलग अलग, क्या नाम होना चाहिए क्या नाम होना चाहिए, ये वाला काम चल रहा था उधर। भाई मेरे को बैंक में जब मैंने ज्वाइन किया था तो मेरे पास पहली बार इतनी बड़ी ब्रांच आई है, तो मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी चीज़ों को समझने में, क्योंकि बिल्कुल ही अलग एक एटमॉस्फेयर था, चीज़ें अलग थी, तो मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, बट ये था कि मेरे को अपने जो सीनियर्स थे उनका काफ़ी सपोर्ट था चीज़ों के लिए, किसी कोई प्रॉब्लम आ जाए कुछ आ जाए तो बहुत सब हेल्पफुल थे, तो ये सब चीज़ें चल रही थी। अब इनके यहाँ पे क्या प्रॉब्लम चल रही थी बैंक में कि इनको काफ़ी टाइम हो गया था वहाँ पे जॉब करते करते, उनकी सैलरी इंक्रीज नहीं हो रही थी, वो लोग इनमें मतलब कुछ बैकेंड में थे ये, तो ये वो नहीं कर रहे थे प्रमोट नहीं कर रहे थे, काम तो बहुत लेवल का लेते थे अच्छा खासा बड़ा वाला, लेकिन सैलरी में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं था।
और मेरे को सैलरी का भी ऐसा कुछ नहीं था, मेरे को पता नहीं उस टाइम पे शायद हमने बेकरी वेकरी का प्लान कर लिया था, तो मेरे माइंड में ऐसा आ गया कि भाई जॉब नहीं है मतलब बिजनेस में ही जाना है। और एक चीज ना ये भी हो जाती है, जब तक आप सिंगल रहते हो ना तो आपको ये नहीं होता कि किस टाइम घर जा रहे हो, फिर 2 बजे जा रहे हो, 3 बजे जा रहे हो, बट जब आपको पता है ना कि एक पार्टनर है आपके साथ तो फिर आपको ना वो चीजें खटकती है कि यार बहुत लेट लेट आती थी भाई, रात को 3-3 बजे भी आती थी मैं 3-3 बजे ऑफिस से मंथ एंड के टाइम पे। और जब ये जो मार्च अप्रैल चलता है इनमें तो भाई बहुत बुरी हालत हो, 4 बजे भी घर पे पहुंचे हम लोग। यस, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। बाकी मेरे को काम ऑफिस में मेरे को बहुत मजा आता था काम करने में, मतलब बहुत ही ज्यादा मजा आता था। मैं संडे को भी जा के काम किया है मैंने ऑफिस में, और अपने डिपार्टमेंट के अलावा भी दूसरे डिपार्टमेंट के भी काम किए। ये तो बैंक वालों की किस्मत में लिखा हुआ ही है कि वो अपने डिपार्टमेंट का तो करेंगे करेंगे लेकिन बाकियों की भी जिम्मेदारी लेंगे। तो भाई अब आ जाते हैं सीधा जुलाई पे। जुलाई में आता है मेरे पति का बर्थडे, जो कि पहला बर्थडे मेरे सामने आया था ऐसे, मैं साथ में थी। तो लॉकडाउन तो था ही, तो हम कहीं बाहर तो जा नहीं सकते थे क्योंकि उस टाइम तक भी ये नहीं था कि भाई कुछ खुल गए हैं, कुछ ये हो गया है, बस ये था कि नॉर्मली चीजें आपको प्रोवाइड हो रही थी। तो भाई हम कहीं बाहर हमारा जाना हुआ नहीं, तो हमने ये प्लान किया, मतलब मैंने ये प्लान किया कि भाई घर पे ही कुछ करते हैं बढ़िया, और मैंने इनको कुछ मतलब कुछ सरप्राइज करती हूँ। अब मेरे को सरप्राइजेस देना नहीं आता, आता ही नहीं है। तो भाई मैंने सोचा कि अब उस टाइम पे क्या था ना कि 7 या 7:30 बजे मार्केट बंद हो जाती थी, 7:30 के बाद मार्केट नहीं खुलती थी, जो नॉर्मल मार्केट है उनका टाइमिंग हो गया था। तो मैं बैंक से हो गई भाई लेट, इन्होंने मुझे बोला कि शाम को बाबू जल्दी आ जाना, और मैंने भी बोल दिया हाँ बाबू शाम को ना जल्दी आ जाएंगे और हम मार्केट चलेंगे, आपके लिए कपड़े लेने हैं ना ऐसा करके। तो भाई मैं आई नहीं, मैं हो गई लेट। तो उस बात के ऊपर हमारा थोड़ा लड़ाई झगड़ा तो नहीं, तो बहुत मासूमों वाली बातें चलती थी हमारी। तो भाई मैं लेट हो गई और मैं नहीं जा पाई, और बस यहाँ से हमारी व्लॉगिंग भी चल रही। तो बस मैं इनके लिए केक मतलब लेने गई थी एक सिर्फ, तो वो केक लेके आई थी मैं इनके लिए, और मैंने नीचे फ्रिज में रख दिया था। और इसी बीच में जब इनका बर्थडे था तो मैं अब मेरे ऑफिस में ही मेरा कलीग था एक, तो मैंने उससे डिस्कस की ऐसे करके कि भाई ऐसे बर्थडे है ऐसे फ्रेंड का, क्योंकि तब तक तो वहाँ पे उस बैंक में तो किसी को पता नहीं था कुछ भी, और मैं भी नई नई गई थी। तो मैंने कहा मेरे को चीज़ें लेनी है, तो मैंने वहाँ से कुछ चीज़ें ले ली थी, जैसे कि मैंने 8 चीज़ें इनके लिए बहुत सारी चीज़ें खरीदी थी भाई। उसका उसके लिए आपको है ना मेरा जो फर्स्ट व्लॉग है, फर्स्ट व्लॉग वो देखना पड़ेगा। फर्स्ट व्लॉग हमारा वही था इनका बर्थडे, क्योंकि आप लोगों ने हमको इंस्टाग्राम पे इतना ज्यादा वो कर दिया ना, व्लॉगिंग करो, व्लॉग क्यों नहीं बनाते हो, व्लॉग क्यों नहीं बनाते। तो उनका बहुत टाइम पे चल रहा था, जब हम लॉन्ग डिस्टेंस पे थे तब से चल रहा था कि व्लॉगिंग करो, बट हम तब अपने अपने जोन में थे। लेकिन जब फिर साथ रहे तो इन्होंने अचानक से ना एक दिन सैमसंग के फोन से, मैं फोन भी आपको दिखाऊंगी, उससे वो व्लॉग शूट किया, और वो कई दिनों का व्लॉग था, 2-3 दिन का मिक्सचर था वो व्लॉग। तो भाई वो शूट किया, तो मैं इनके लिए टोटल मुझे अभी तो याद नहीं आ रहा, शायद 21 थे वो, हाँ कुछ इतना ही थे। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें ली इनके लिए, बहुत सारी चीज़ें, और वो मैंने सारे की सारी ला के एक दिन पहले, और मैंने नीचे अलमीरा में रखवा दी चीना को देखे कि भाई तू रख दे ऐसा करके, उनका उनको पता नहीं चलना चाहिए। फिर हमने घर पे ही खाना वाना बनाया मिल के सब ने, फिर जो भी हमारे नियर बाय वाले थे वो सबको बुलाया, फिर मस्त सेलिब्रेट किया। और मैं अपने जब वो व्लॉग देखती हूँ ना तो उसमें ऐसे बच्चों वाले लग रहे हैं ना, हम बिल्कुल इतने क्यूट से लग रहे हैं सच में, अब तो बिल्कुल राक्षस बन गई हूँ मैं तो खासकर। तो भाई ऐसे ऐसे करके हमने वो ब्लॉग पूरा कंप्लीट किया, और मैंने इनको इनके सरप्राइजेस दिए, इनको अच्छे भी लगे पहली बार। तो चलो भाई ऐसे ऐसे करके हमारा वो बर्थडे मन गया मस्त तरीके से, और मैं बहुत खुश थी इसके लिए कि भाई ठीक है ऐसा ऐसा हमने सेलिब्रेट किया। फिर उसके बाद व्लॉगिंग छोड़ दी। हाँ वो पहला व्लॉग बना, फिर व्लॉगिंग पे फिर बिल्कुल हट गए, ठीक है भाई वहाँ से, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता क्योंकि हम दोनों अपने अपनी जिंदगी में चल रहे थे। तो इसी दौरान फिर क्या हुआ कि फिर क्या हुआ था लोगों, फिर आई थिंक हमें नेक्स्ट में बताना चाहिए क्योंकि मुझे चेक करना पड़ेगा कि कितने टाइम का गैप आया था व्लॉग से एक दूसरे व्लॉग में जंप करने में। तो अभी फिलहाल आप यहीं तक जानो कि ये सब हुआ था, और पहला बर्थडे जो इनका हमने मनाया था उसी से हमारी व्लॉगिंग चालू हुई थी, क्योंकि आप लोग इतना ज़्यादा वो कर रहे थे कि हम आपकी लाइफ जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ कैसी है, कैसे रहते हो, क्या करते हो, तो वो सारी चीज़ों को लेके, और यहीं से हम मोटिवेट हुए थे कि हम व्लॉग करेंगे, ठीक है। लेकिन ये पहले व्लॉग पे जो मोटिवेशन हमारी डाउन हो गई ना, तो अब नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि फिर से कैसे बनाना शुरू किया और कहाँ से शुरुआत की। यस,
आई होप आपको आज की ये खींच खींच के वाली वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि हम वही बात है, मैं स्क्रिप्ट नहीं लिखूंगी बैठ के पॉइंट टू पॉइंट बताने में, क्योंकि मैं सारी चीज़ों में जाके फिर बताती हूँ कि ऐसा ऐसा हुआ था, और हो सकता है कि बीच के मैंने बहुत सारी चीज़ें मिस भी कर दी हूँ, याद भी ना, क्योंकि याद भी ना हो, मतलब कि छोटी छोटी चीज़ें बहुत होती हैं, इतना बताने लोगों की तो फिर तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो भाई यही सब था, और अगला एपिसोड जल्दी लेके आएंगे हम आपके लिए, जिसमें हम आपको और कुछ खास चीज़ें बताएंगे, क्योंकि अगली वीडियो में होने वाली है मम्मी और नानी की एंट्री, तो वो मैं आपको बताऊंगी। यस चलो चलो भाई, और कल एक है सरप्राइज आप लोगों के लिए गाइस, तो कल के व्लॉग में देखना आप लोग, मिस मत करना गाइस। हाँ चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, चलो बाय बाय, गुड नाइट। मेरी आकारी को तो एक भी आटना नहीं आता, ए आ कर रहे हो मैं को इलायची टेस्टी है।